पार्टी ओबीसी मोर्चा बिजनौर से दीपावली भैया दूज व गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाओं सहित भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करूँगा। और आज गढ़िया महापंचायत में हमने अपने समाज के सभी कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया है। इसके लिए मैं समाज को जागरूक करने का संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। खबर बिजनौर से। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती सिद्धबली विहार कॉलोनी नजीबाबाद में धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन सिद्धबली विहार कॉलोनी के पार्क में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व सैनिक मनोज कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर सभी वर्ग के बच्चों के मध्य खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में सिद्धबली विहार के बच्चे के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद प्रथम द्वितीय स्थान पर रहे बच्चों को क्रमशः स्वास्थ्य की दृष्टि से बादाम और फल वितरित कर उनका हौसला अफजाई किया। ज्ञात हो ये कार्यक्रम पूर्व सैनिक मनोज कुमार द्वारा वर्ष 2017 से लगातार हो रहा है। वर्तमान में कुमार भारतीय स्टेट बैंक नजीबाबाद के आदर्श नगर शाखा में कार्यरत हैं। कार्य करने जाने पर से पूर्व में पार्क में प्रत्येक दिन बच्चों शारीरिक प्रशिक्षण देने का कार्य भी करते हैं। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित बच्चों को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र में विषय में जानकारी दी। इन्हीं की बदौलत बना हुआ है आज, जो आज हम सब लोग एकजुट हैं वो इन्हीं की बदौलत है। और हमारी इस वर्तमान सरकार ने, जो मोदी सरकार है, इसने इसके लिए गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के किनारे पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है। तो कोई बच्चे गए वहाँ घूमने? हाँ, तो मेरे पापा का नाम कुलदीप सिंह है और आज हम यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं। उसमें हमने भाग लिया था। मेरा नाम कृति आर्या है। मेरे पापा का नाम मनोज कुमार है। हम सिद्धबली विहार कॉलोनी में रहते हैं। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में मेरे पापा ने यहाँ पे खेल की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था, जिसमें काफी बच्चों ने भाग भी लिया था और प्रथम तथा द्वितीय स्थान भी प्राप्त किए हैं और हम सब ने इसमें भाग लिया। मैं धनीराम, निवासी सिद्धबली विहार कॉलोनी। आज 31 अक्टूबर 2021 आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मना रहे हैं और ये बहुत अच्छा प्रयास है हमारे भूतपूर्व सैनिक श्री मनोज कुमार जी का। जिस सिद्धबली पार्क को इन्होंने 31 अक्टूबर 2019 को इसकी नींव रखी थी, इसका सौंदर्यीकरण किया था, आज वह बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर फल फूल रहा है और आज के समय में बालक इसमें पूरा एंजॉय लेते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है, उनका देश की एकता के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बिखरी हुई विरासतों को जोड़ने का प्रयास किया, इसलिए हम उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। मैं नैन सिंह पाल, अखिल भारतीय पाल महासभा जिला अध्यक्ष बिजनौर, और मेरी ओर से दीपावली भैया दूज व गंगा स्नान की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। मैं समाज के प्रति लोगों को जागरूक होने की बात कही मैंने, तो वही मैं चाहता हूं कि मेरा समाज हमेशा जो है सुख और शांति से समृद्धि के साथ उन्नति करता रहे, विकास करता रहे और शीर्ष ऊंचाइयों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।